the Central Depository Services India Limited से शेयर्स रखने के लिए आपको तीन अकाउंट की जरूरत होती है. एक होता है बैंक अकाउंट जो आप सब जानते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो एक ब्रोकर के पास खोला जाता है जिससे आप स्टॉक परचेज और सेल करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं. और फिर एक और अकाउंट की जरूरत होती है डीमैट अकाउंट, जो हमने परचेज किया, जो इन्वेस्टमेंट किया उसको रखने के लिए एक अकाउंट चाहिए, वो है डिपॉजिटरी, डीमैट अकाउंट. और मैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से हूँ और मेरी कंपनी ये सारा काम जो डीमैट का है वो करती है और आपको डीमैट की सर्विसेज प्रदान करती है. पर हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अटेंड नहीं करते हैं. हमारे जो भी डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं वैसे सुरेश शेट्टी सिक्योरिटीज हैं, ऐसे जो ब्रोकर्स हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं उनके थ्रू खोले जाते हैं. मैं आपको यहाँ पे कुछ आज के बारे में बताना चाहूंगा कि किस लिए करा गया कार्यक्रम. इन्वेस्टर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम. अरे जागरूक जो जगह हुआ है उस क्या जगह है, एवरीबडी सब यहाँ जगह हुए हैं, सच्चाई है. पर बहुत सारी बात पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो मैं आपको इतना कहूंगा किस लिए जरूरत पड़ी, क्योंकि कानून तो बना दिया, कानून तोड़ने वाले बहुत हैं. हमें मालूम है रेड लाइट है, क्रॉस नहीं करना है, पर हम सब करते हैं. हम सबको पता था आज मास्क लगा के आना है, पर हमने किसी ने भी नहीं लगाया, इंक्लूडिंग मी. हमें सबको पता है, परंतु यही भारी रोका जाता है कि भाई मास्क कहाँ है आपका, आपका चालान होगा तो सबके मुंह पे मास्क होता है, होता कि नहीं होता. पर हम लोग सिर्फ रूल्स को तो जानते हैं पर वहां कहीं ना कहीं कहीं लालच में अपने आलस में कहीं ना कहीं उन रूल्स को तोड़ देते हैं. इसलिए मैं यहाँ पे आना पड़ा और आप लोगों ने मुझे मौका दिया. सबसे पहले हम लोगों का एम क्या है, किस लिए हम लोग भागते हैं तोड़ते हैं, कुछ तो एम है. और सबसे मुश्किल काम क्या, जवान लोग पीछे बैठे हैं और जिनका हमारे जैसे लोग हैं जिनका एम हो गया वो आ गए हैं, क्योंकि वो तो ठीक है यार आज मस्ती है चलते हैं, यही है. पर एम है सबका, कुछ ना कुछ हमने डिसाइड कर रखा है, कुछ तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए. बस जो पीछे बैठे यंगस्टर्स हैं कुछ तो बोलिए, नहीं बोलेंगे तो ऐसा होगा एक जन आया था बोल के चला गया, ऐसा ही होगा. कुछ चाहिए आपका, एम है कुछ, यस ये एनर्जी होनी चाहिए. बस यदि हम लोग थक गए तो बॉस कुछ नहीं कर पाएंगे, एनर्जी चाहिए, एनर्जी वी रिक्वायर द एनर्जी. तो बॉस मैंने भी कुछ एम डिसाइड किए हैं. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पैसा चाहिए. ग्रीड बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है. बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, सही सही. 5 days a week मैं 5 दिन काम. कोविड ने जो लास्ट 1-2 साल निकला, कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया परिवार क्या होता है. उसके पहले हम नहीं जानते थे परिवार क्या है, हम कहते थे हम कमा किसके लिए रहे, परिवार के लिए. पर परिवार के साथ ना हम समय व्यतीत करते थे, ना उनको देखते थे, ना उनके साथ बात करते थे. वी आर नॉट स्पेंडिंग अवर टाइम, करते थे क्या, बस सुबह उठते ही लगता था दुकान खोलूं, शटर उठाऊं, दुकान पे ग्राहक चला जाएगा, ये काम है वो काम है. रात को 8-9 बजे दौड़ते थे, जाकर के खाना खाते थे, घंटा आधा घंटा परिवार के साथ रहते थे और उसके बाद सो जाते थे, यही होता था. और किसके लिए काम करते हम बोलते थे परिवार के लिए कर रहे, जबकि परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं. जब हम समय नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं. तो आज हम जो भी काम करते हैं, इस कोरोना ने इतना अच्छा सिखाया कि वी कैन स्पेंड द टाइम विद आवर फैमिली, परिवार के साथ रहना भी जरूरी है. तो 5 दिन काम करो, 2 दिन आराम करो, करना चाहोगे बिल्कुल. और फोर-व्हीलर लग लीजिए, गाड़ी भी सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं, मुस्कान आ रही है चेहरे पे. पर लोग कहते हैं गुप्ता जी आप फिर वही पुरानी बात करते हो, आज तो सबके पास गाड़ी है. गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब मेरे पिताजी बताते हैं कि मैंने जब मैट्रिक पास की तो मुझे बाइसाइकिल मिला था, उन्होंने मुझे स्कूटर दिलाया था, पर मैं आज अपने बेटे को स्कूटर या साइकिल नहीं दिला सकता हूं, दिला सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी वो फोर व्हीलर ड्राइव करता है. अब उसको मैं गाड़ी की बात करूं तो कोई मतलब नहीं है. तो अब क्या है, यदि अब गाड़ी की डिमांड बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि बहुत हायर रेट की, अब अच्छा मॉडल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए. और परिवार छोटे होते गए, डिमांड तो बढ़ती गई, परिवार छोटे होते गए, आज एक सिंगल के या नो किड का कंसेप्ट आ गया. परिवार में सब कुछ है परंतु उसको यूज करने वाला कोई नहीं है. एक बच्चा है उसको किसके पास, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं कि उसको खेलने के लिए कोई कुछ नहीं है,
तो ये परिवार छोटे होते हैं और उस परिवार को रहने के लिए मुझे एक छोटा सा मकान मिल चाहिए और एक अदद ये भी चाहिए। मुस्कान है अनमैरिड चेहरे पे, एक अदद लाइफ पार्टनर चाहिए क्योंकि स्वीट हार्ट लिखा है। स्वीट का मतलब ऐसा नहीं है, स्वीट हार्ट का मतलब वाइफ सही है, हस्बैंड से भी है। आपका लाइफ पार्टनर तो चाहिए चाहिए। अर्थात जब लाइफ पार्टनर आ जाता है तो अपने चेहरे की चमक आधी उड़ जाती है। ऐसी बात है, सब देखने को बताता हूँ। साथ में लाइफ पार्टनर आ गया तो टेंशन भी आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टेंशन का मतलब हम लड़ते ही रहते हैं या नेगेटिविटी होती है, बट वी आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली। आप सोच सकते हो कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा, मेरे हिसाब से बना दे खाना, पर उसने जो खाना बनाया खा के आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जो उन्होंने नाश्ता बना दिया वही खाना पड़ेगा, नहीं तो रात का डिनर नहीं मिलेगा। पूछते भी है आपके लिए क्या बनाऊं, अरे वो तो मजबूरी हो गई, अब अपना समय आ गया इसलिए पूछ लेती है, नहीं तो जब उसका समय। ऐसी बात नहीं है, दिल खुश हो जाता है जब वो पूछती है। अरे बड़े मजेदार बात है, जब वो पूछती है तो दिल खुश हो जाता है क्योंकि रोज तो पूछती ही नहीं है, हफ्ते में एक बार पूछती है। देखिए अपार्ट फ्रॉम जॉब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी सब तो कंप्लाइंसेस है, मैं आपको सब ये बताने वाला, ये करो वो मत करो ये करो, परंतु उसके पहले हम लाइवली हो जाए थोड़ा सा इस लाइन को कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, खुलकर बात कर, खुल के बात कर सकें। अब ये टेंशन आ गई जिंदगी में और एम भी मैंने इतने सारे डिसाइड कर लिए कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए और 5 दिन काम करो, वो कैसे पॉसिबल है और वो भी बिना टेंशन के। टेंशन के बिना पॉसिबल है? पॉसिबल है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पैसा बचाना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल तो कुछ आने वाला नहीं है, जो मेरी सैलरी है वही मुझे मिलने वाली है, पर मुझे इतने सारे एम भी पूरे करने हैं। देन हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे मैं कर सकता? तो उसके लिए जो मेरे को इनकम होती है उसमें से कुछ पार्ट बचाना होगा। अब कितना बचाना होगा वो आपको डिसाइड करना होगा, पर हम कहते हैं पैसा बचाता हूँ, जो पैसा बच जाता है खर्चा करने के बाद में मैं उसको बचा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, दैट इज नॉट सेविंग। वो आपकी सेविंग नहीं है, उसको पैसा बचाने का मतलब है कि जो मेरी इनकम है उसमें से कुछ परसेंटेज पक्का कर दूं कि इतना पैसा तो मुझे बचाना ही है। अब बचाने का मतलब मेरे को 20% मेरी सैलरी यदि 100 रुपए है तो 20 रुपए तो मेरे को सेविंग्स करनी है, फिक्स कर दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप स्पेंड करिए, खर्चा करिए, तब तो आपकी बचत होगी। अब बचत का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा लिया और गुल्लक में रख दिया, गुल्लक में रखने का मतलब दैट इज नॉट सेविंग। सेविंग तो है वो, परंतु इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो मैंने बचपन में पैसा इकट्ठा किया था एक प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर कॉइन इकट्ठे कर रखे, आज भी है मेरे पास, पर मैं वो चीज नहीं खरीद सकता हूँ जो उस टाइम उस पैसे से मैं खरीद सकता था। 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का कॉइन, अब वो पैसा आज कुछ नहीं खरीद के देता मुझे, वो डब्बे में रखा हुआ है, पर आज सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं कि मैंने पैसा बचाया था, पर क्या किया उस पैसे का? यदि वही पैसा मैं उस टाइम कहीं अच्छी जगह लगा देता, जमा कर देता, जिससे कि उसका इन्फ्लेशन खत्म होता रहता, उसका जो महंगाई के हिसाब से वो पैसा भी ग्रो करता, तो मैं आज उतना ही सामान जो उस टाइम मैं उस पैसे से खरीद सकता था आज भी खरीद सकता था। पॉसिबल है, पर अब क्या किया मैंने तो पैसा कहीं एक जगह रखा गया और कोई काम नहीं आया, या फिर बैंक में रख दो आप। अब बैंक में पहले तो अच्छा परसेंटेज ब्याज का, बहुत अच्छा परसेंटेज मिलता था, अब एफडी में कुछ मिलने वाला है। अब पैसा तो मैंने बचाया अगर बैंक में रखा है साहब, पर किस काम का? वो बैंक का पैसा हुआ, दे आर यूजिंग योर मनी, वो आपका पैसा यूज करते हैं, उसको जनरेट करते हैं और उसके से बेनिफिट वो कमाते हैं, हमारे पास कुछ आने वाला नहीं। फिर क्या करें? फिर मैंने खूब सारे एम किए तो फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। बहुत सारी स्कीम्स चलती है, पोंजी स्कीम्स, जो आपको लालच देती है कि साहब आइए आपका पैसा 2 दिन में, 5 दिन में, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और हम जाकर के फंस जाते हैं। ऐसा होता है? होता है, और सब फंसे होंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और हमारे एसोसिएट्स उसको फंसाते हैं, हमारे जानकार फंसाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुन करके आता है, बोलता है यार बहुत अच्छी स्कीम में पैसा लगा देते और हम पैसा लगा देते हैं। कोई प्लांटेशन की आती है, कोई आपको
मंडी मार्केटिंग की आती है कि आप मेंबर्स बनाते जाइए और एक भी वो मेंबर बनना बंद हो जाता है और आपका पैसा फंस जाता है। कुछ आपको बोलते हैं कि सब 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए का वर्थ का कोई भी आइटम है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, महीने भर बाद 300 रुपए कमा ले जाइए। पर ये सब स्कीम्स बाजार में बहुत तरह की पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं, आपको फंसा नहीं पाती और हम सब लालच में आ जाते हैं क्योंकि हमने एम डिसाइड कर रखा है, हमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए सर, पैसा चाहिए, तो हम लोग सब लालच में आ जाते हैं। अच्छा PACL का कितने लोगों ने नाम सुना है? PACL करके एक स्कीम आई थी आज से 4-5 साल पहले, सुना नहीं यहाँ पे? सुना है, कई कोई कंपनी आई थी जिसने कहा कि सब पैसा जमा कराओ और आपके इतने दिन बाद में इतना पैसा मिल जाएगा, इतनी जमीन मिल जाएगी, आपके नाम से कर दूंगा। पीयरलेस, पीयरलेस नाम, पीयरलेस अलग थी, PACL थी, सारा है। अब मैं सारा का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि ऑलरेडी सेबी के पास भी चल रही है, PACL का डिसीजन हो चुका है, तो सारा है। ऐसी कई कंपनियां होगी, एक तो भी ये सैकड़ों कंपनियां हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं पैसा फंसा करके। अच्छा प्रिया परिवार कितने लोग जानते हैं? हाँ, मुझे पता था इधर के लोग प्रिया परिवार को जानते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। सबके पास मोटरसाइकिलें हैं उसकी, अरे है तो बहुत अच्छी वैसे, और कितनों के पास खाली चेक ही पड़ा है, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो मेरा ये कहना है ऐसी किसी भी स्कीम पे पैसा मत लगाइए जिसको हम नहीं जानते हैं कि वो उसका रेगुलेटर कौन है, किस स्कीम के तहत आया है वो, किसने, मैं उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए। और हम सिर्फ लालच में आते हैं और पैसा फंसा देते हैं, तो ऐसा कहीं पैसा मत जमा कराइए जहाँ उस रेगुलेटर को उस स्कीम के बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो ब्रोकर है, वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उसका रेगुलेटर कौन है, मैं उसकी कंप्लेंट किसको कर सकता हूँ, ये सब तो पता होना चाहिए। पर हम सब लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लालच में आके ऐसी स्कीम्स में पैसा जमा करा देते और बाद में दौड़ते रहते हैं, थोड़े दिन बाद पैसा डूब जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं, यार अपनी किस्मत में नहीं था, चला गया, यही बोला जाता है। किस्मत को कोसते हैं, अरे किस्मत में नहीं था, किस्मत में नहीं था, किस्मत में तो था, आपके पास आया था, पर आपने उस पैसे को बिना अपनी नॉलेज के किसी और के कहने पर ऐसी जगह लगा दिया और डूब गए। ऐसा हुआ तो ऐसी जगह पैसा मत लगाइए जहां आपको ये नहीं पता हो कि ये पैसा मेरा जनरेट होगा, मेरे को फायदा है नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है मैं उस पैसे को कहीं नहीं लगाऊंगा। मेरा पैसा है, मेरी जेब में रहेगा तो ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा कोई बात नहीं, पर है तो सही मेरे पास, आई कैन यूज दैट मनी इन अदर सोर्स, कहीं और लगाऊंगा, कोई और काम करूंगा, पर किसी ऐसी स्कीम में लगा दी जो पैसा डूब गया तो फिर मेरे किसी काम का नहीं। तो ऐसी जगह पैसा मत लगाइए जहां आपका पैसा डूब जाए, या लालच में आके कहीं ऐसा पैसा मत लगाइए, लगाना है तो नॉलेज से लगाइए, अपने दिमाग से लगाइए, उसके बिना कहीं नहीं, क्योंकि एक रुपया भी जेब से निकला तो वापस नहीं आने वाला है, आएगा वापस नहीं आने वाला। अब मैं स्टॉक मार्केट से हूं तो आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इक्विटी, स्टॉक मार्केट में कितने लोग काम करते हैं? लगभग सभी करते हैं, और आगे पर इन्वेस्टर्स की लालच में आके दूसरी स्कीम्स में फंस जाते हैं, बहुत सारी स्कीम चलती है बाजार में, फिर हम सोचते हैं थोड़ा सा पैसा इसमें भी लगा देना, थोड़ा पैसा इसमें भी लगा देना। अच्छा बिटकॉइन में कितने लोग काम करते हैं, नाम सुना है, परंतु हम उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं पर फिर भी पैसा लगा देते हैं, उसका रेगुलेटर कौन है हमें नहीं पता है, कहाँ पैसा जाएगा नहीं पता है, पर हम सब लालच में आ रहे हैं, उसने तो इतने करोड़ रुपए कमा लिए, अरे उसका बिजनेस था, उसको नॉलेज थी इसलिए कमा लिया, मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं क्यों, मैं उस फील्ड में क्यों जाऊँ जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, सच्चाई है। पर हम लोग गलत जगह फंस जाते हैं, स्टॉक मार्केट से तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आप पैसा लगा सकते हैं, इक्विटी में नहीं, शेयर्स में आप पैसा लगा सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स में लगा सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स, करेंसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सोना सबको पसंद है, और मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोगों को तो सोना सबसे ज्यादा पसंद है। पहले के लोग क्या करते थे, सोना खरीदा, हांडी में डाला और खड्डा करके गाड़ दिया, यही किया। अब किसके लिए बचाया था, परिवार के लिए, और परिवार को पता भी नहीं। तो यदि आप गोल्ड में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कर सकते हैं, उसके लिए बाद में मेरे बाद में मलेश जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट बॉन्डमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, और आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, जो कंपनियां नए शेयर्स लेकर के आती हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ बहुत अच्छी चीज, आप पैसा लगा सकते हैं। ऑफर फॉर सेल, सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग, बहुत सारे ऑप्शन है। और फिर भी यदि किसी को नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है आपके बिहाफ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा, कई डेब्ट्स में लगाएगा, और आपको उसका रिटर्न जो आएगा आपको मिलेगा। तो आप, मैंने बच्चे के लिए कुछ पैसा जमा किया है, कुछ स्टॉक बचा के रखा है, और बच्चे को भी लगेगा कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, कुछ किया है। अदरवाइज आप बहुत कुछ कर दीजिए, पर बच्चे को हमेशा ये होता है मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। लास्ट में स्टेटमेंट यही आने वाला है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, बोला जाता है, पर वो स्टॉक देखेगा। सेम थिंग आप अपनी वाइफ को जो एनिवर्सरी आती है, कुछ और देना है, आपको गिफ्ट देना है, उसके डिमेट अकॉर्डिंग कुछ शेयर परचेज करके दे दीजिए, और उसका वैल्यूएशन दिखा दीजिए कि इतना पैसा हो गया तेरे पास। सर वो खुश नहीं होते, वो पीला पीला कलर की बाकी चीज। हाँ, उसके लिए बताता हूँ। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मेरे साथ भी हुआ। मैंने 1,00,000 रुपया दिया मेरी वाइफ को कि सर 1,00,000 रुपया ले लो, आपकी एनिवर्सरी है, वो जो भी लेना हो ले लेना। वो खुश नहीं थे कि आप पैसे दे दिए। मैं 25,000 रुपए के इयर रिंग्स लेके आया, चुपचाप बहुत खुश। अरे 75,000 तो मेरी जेब में आया। दिस इज द थिंग, यू आर राइट कि लेडीज को, परंतु मैं आपको एक और चीज बताऊं। ऐसा भी करते हैं आप? सब करते हैं सर, हम भी आप ही के साथ हैं। एक छोटी सी बात, मेरी भांजी है कंपनी सेक्रेटरी बनी हुई, और रोज मेरे घर में अमेजोन का डब्बा, कभी कुछ का डब्बा, कभी कुछ का डब्बा, कुछ पैकेट आने शुरू हो गए, क्योंकि वो काम करने लगी तो पैसा भी आने लगा, और वो शी स्टार्ट टू परचेज द थिंग्स। रोज पैसा कर रही है, क्या कर रही है? हम उसको डायरेक्ट बोले तो हम बोलेंगे स्थिति में नहीं, क्योंकि वो तो खुद कमा रही है, तो खुद खर्चा कर रही है। एक काम किया मैंने, सिर्फ मैंने कहा एक काम करो, मैं उसको गुड़िया बोलता हूँ घर पे, मैंने गुड़िया तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुला कि नहीं नहीं मामा, मैं तो आईपीओ में, मैं स्टॉक मार्केट में नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा एक काम करो, मुझे एक अकाउंट की जरूरत है आईपीओ में लगाने के लिए, मुझे चाहिए। उसका डीमैट अकाउंट खुला है, आईपीओ में एप्लीकेशन लगा दी दो चार, और उसको अलॉटमेंट आ गया। अब अलॉटमेंट आने के बाद क्या बोलती है, क्योंकि वो पैसा जस्ट डबल हो गया था, पैसा मेरा मैंने लगाया, पर उसके बाद उसका कहना था मामा मेरे अकाउंट में आया, ये अकाउंट में पैसा मेरा, वो खुद लगा लिया। उसका रीजन है नहीं, आप ले लीजिए फुल पैसा ले लीजिए, वो मैं भी यही चाहता था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो पार्सल आने शुरू हुए थे वो सब बंद हो गए। अब जितना आईपीओ होता है उसने वो आईपीओ में पैसा लगा दिया, और शी स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। अभी वो पैसा खर्च करती है, करने से पहले सोचती है यार जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, अभी मार्केट डाउन है, मैं स्टॉक परचेज कर लूंगा। नाउ शी इज थिंकिंग लाइक दिस। तो आपके बच्चों की एक मेंटेलिटी बदल गई, जहां वो रोज खर्चा करते थे वो अपने आप पैसा बचाने लगे, अपने पोर्टफोलियो को देखने लगे, और अपने आप पैसा बने, पैसे वाला बनने की एक चाहत आ गई। तो पैसे आप डायरेक्ट बोलिए सब बेटा पैसा मत खर्च कर, मैं उसको रोकता था, वो पता क्या होता है, मैं आपको पैसा पर ही खर्च कर दूँगा, इट्स माई मनी, बोल सकते हैं ना आजकल के बच्चे। पर उसको नहीं, किसी फिर डीमैट अकाउंट लाने से उसकी बचत चालू है। तो ये हम लोग भी कर सकते हैं, अपने बच्चों का डीमैट अकाउंट खुलाइए, इन्वेस्टमेंट कराइए, और उसे बताइए कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या हो रहा है, उसे पता होगा। अब तो वो मुझसे पूछते भी नहीं क्या स्टॉक परचेज करूँ क्या नहीं परचेज करूँ, ऑनलाइन स्टडी करती है, पर अपने आप ब्रोकर को फोन करके परचेज कर। तो आप सब काम कर सकते हैं, माइनर का अकाउंट खोल सकते हैं, और घर में चार मेंबर हैं, चारों मिलकर के HUF एंटिटी बना सकते हैं, और उसका भी HUF अकाउंट खोल सकते हैं, आईपीओ का एप्लीकेशन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट की क्या बेनिफिट है, बहुत अच्छी चीज कि एक सिंगल आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट में। मेरे बाद क्या होगा मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में है, अकाउंट में है, मेरे घर पे मेरे बाद एक स्टेटमेंट आएगा तो पता होगा घर वालों को कि कहां का पैसा लगा रखा है। नहीं तो क्या होगा, LIC का नाम सबने सुना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। और LIC के बाद में यदि LIC का बॉन्ड नहीं मिले तो पॉसिबल है क्लेम लेना, होंगे कुछ LIC के एजेंट्स भी होंगे यहाँ पे, एम्प्लॉइज भी होंगे, बट इट इज पॉसिबल टू क्लेम द, नहीं ना, बड़े वो जिंदगी के बाद तो कुछ रहे नहीं।
वही यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा या मेरे परिवार को पता होगा तो वो उसको क्लेम कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो आपका जितना इन्वेस्टमेंट है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखिए। आप किसी को भी ट्रांसफर करते हैं तो कोई स्टैंप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होगी। ट्रांजेक्शन चार्जेस इज समथिंग डिफरेंट, पर स्टैंप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप उसका कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको फिजिकल शेयर अभी भी आपके पास रखे हुए हैं तो उसे आप कन्वर्ट करवा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे। फिजिकल शेयर्स आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स है तो उसको रिफंड भी करा सकते हैं, सिक्योरिटीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद तब भी पूरी सारी इंफॉर्मेशन की किसके पास कितने शेयर है, क्या राइट का एंटाइटलमेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी डिपॉजिटरीज कंपनीज को दे सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसका सेटलमेंट भी डिपॉजिटरीज करती है, और ये सारी सर्विसेज आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू लेते हैं, जो एजेंट है डिपॉजिटरीज के उनके थ्रू, जैसे सुरेश अडी सिक्योरिटीज। डीमैट में रखे हुए स्टॉक आपके 100% सेफ होते हैं, पर कई बार क्या होता है, बहुत सारे ब्रोकर्स डिफॉल्ट करके गए, आपको पता होगा, लोगों का पैसा फंस गया क्योंकि उन्होंने क्या किया था, स्टॉक परचेज करने के बाद सो कॉल्ड पूल अकाउंट में माल छोड़ दिया था। हमने स्टॉक परचेज किया किसी ब्रोकर से और क्या करते हैं कि आप अपने पूल अकाउंट में मान रख लीजिए। अब वो पूल अकाउंट ऐसा कुछ होता नहीं है, उनका इंडिविजुअल अकाउंट होता है और उसमें आपके शेयर्स रखे हैं, तो वो ये उसी तरह से हुआ, आपने कोई सामान दुकान से खरीदा और उस दुकानदार के पास ही छोड़ा है स्टॉक, वो तो दोबारा रखेगा, पीछे का वापस करेगा नहीं करेगा, वो तो उसकी मर्जी है, पर मैंने जो भी स्टॉक परचेज किया मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो सेफ हो गया, फिर मेरे घर में माल आ गया, तो आप जो भी परचेज करते हैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमने पैसा भी बचाया, पेट भी काटा, और रखने के बाद यदि नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया तो बहुत मुश्किल था, तो नॉमिनी जरूर अपॉइंट करिए सर, बिना नॉमिनी के कोई चीज मत छोड़िए, और डीमैट का तो बिल्कुल मत छोड़िए। पहले मुश्किल था, एक डिपॉजिट एक डीमैट अकाउंट के अंदर एक सिंगल नॉमिनी होता था, अब आप तीन नॉमिनी बना सकते हैं। इंडिविजुअल होना चाहिए नॉमिनी, इंडिविजुअल का मतलब कोई कॉर्पोरेट और कोई नहीं बन सकता है, इंडिविजुअल हो और तीन मेंबर को, क्योंकि परिवार में चार लोग हैं तो मैं तीन लोगों को नॉमिनी बना सकता हूं एक डीमैट अकाउंट के अंदर। परसेंटेज फिक्स कर सकता हूं कि किसको कितना कितना देना है, मैं अपनी वाइफ को 50% देना चाहता हूं, मेरे दोनों बच्चों को 25-25, इट इज पॉसिबल कि मेरे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है इस रेशियो में बढ़ जाए। पहले मुश्किल था कि एक को कैसे अपॉइंट कर दूं, बाकी का क्या होगा, तो नॉमिनी जरूर अपॉइंट करिए, बिना नॉमिनी के कुछ चीज मत रखिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आप अपने स्टॉक्स के बदले लोन भी ले सकते हैं और अभी मार्जिन भी देना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर को। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर आपसे मार्जिन मांगता हूं, सितंबर 2020 के बाद में हर ट्रेड के लिए आपको मार्जिन देना है, ब्रोकर को देना है, और मार्जिन देने के लिए सिक्योरिटीज प्लेज करवानी पड़ती है। अभी पहले क्या करते थे, हम स्टॉक ट्रांसफर करते थे ब्रोकर के अकाउंट में, अब आपको ब्रोकर के अकाउंट में स्टॉक ट्रांसफर नहीं करना है, अपने ही अकाउंट के अंदर स्टॉक को फ्रिज करा सकते हैं, प्लेज करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं। ये यू शुड नॉट ट्रांसफर द सिक्योरिटीज इन द ब्रोकर से स्टॉक, राइट। शेयर्स में पैसा लगाया, टाइम टू टाइम आपको कंपनी राइट इशू का एंटाइटलमेंट देती है। राइट इशू आता है आप लोगों के पास, पहले तो फिजिकल फॉर्म में आता था, फॉर्म फिलअप करना होता था, चेक लगाना होता था, बैंक में जमा कराना होता था, रिनाउंस करना होता था तो उस पर साइन करके किसी को देना पड़ता था। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आते हैं, आपके पास राइट एंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं या किसी को रिनाउंस भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, और जितना एंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा भी आप लगा सकते हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अब मैं तो डेब्ट में भी काम करता हूँ, इक्विटी में भी काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड में भी काम करता हूँ, आप सबका रिकॉर्ड एक जगह कहाँ लगा,
और एक से ज्यादा मेरे डीमैट अकाउंट है, आज सुजानगढ़ में भी है, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, मेरे पास दो तीन डीमैट अकाउंट है। सबका मैं कैसे स्टेटमेंट रखूं, कंसोलिडेशन करके रखूं? तो डिपोजिटरीज आपको एक कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट भेजती है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और क्या मैंने डेबिट, मेरे अकाउंट से क्या डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्या ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट हुआ और क्या वैल्यूएशन है, वो सब उसके स्टेटमेंट में होते हैं, आप देख सकते हैं। और cnsindia.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एक फैसिलिटी है EASI, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। आप सबका डीमैट अकाउंट है, कितने लोग जानते हैं इस फैसिलिटी के बारे में? मुझे लगता है एक दो लोग जानते हैं। पर इसी फैसिलिटी का मतलब है, आप रोज अपने स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट देखना पसंद करते हैं कि मेरे पास क्या पोर्टफोलियो है, क्या उसका वैल्यूएशन हो गया, क्या मैंने ट्रांजेक्शन किया, वो सब पता चाहिए आपको। तो पता करने के लिए बार बार या तो ब्रोकर को फोन करते हैं, ब्रोकर को फोन करते हैं, मेरे स्टॉक बता देना, मुझे जरूरत नहीं है, या मैं इसी में रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे पता होगा कि मेरे अकाउंट में क्या स्टॉक है, क्या उसका वैल्यूएशन है और क्या मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन किया है, और सबसे बड़ी बात क्या कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है। हमने ले तो लिया पर हमें पता नहीं कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है, क्या अनाउंसमेंट किया है इस कंपनी ने, हमें पता नहीं। और स्टॉक वैल्यू बढ़ा और हमने बेच दिया, पर पता चला कि 1:1 का बोनस आ रहा था और हमने तो लॉस में हो गए, पॉसिबल होता है सर? तो इन सब की खबर आप यदि रजिस्टर्ड है इजी में तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आपको बोला ई वोटिंग के लिए बोला था, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने हैं। इफ यू आर रजिस्टर्ड इन द इजी, आप वहां जाकर के ई वोटिंग क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में जितने शेयर हैं किसका एजीएम चलने वाला है, किसका एजीएम कब है, रिमोट वोटिंग कब से स्टार्ट होगा, मैं कैसे जाकर के वोट कास्ट कर सकता हूँ, वो सब आपको पता चलेगा, आप वहां जाकर कर सकते हैं। एक एनहांस फैसिलिटी है EGS, जिसमें स्टॉक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। माई इजी मोबाइल ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और अपना होल्डिंग स्टेटमेंट कभी भी चेक कर सकते हैं। SMS फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अपना मोबाइल तो रजिस्टर करवा दिया पर उसमें SMS फैसिलिटी नहीं ली तो कोई फायदा नहीं। SMS फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिपॉजिट इज नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी, एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं करती है। बैंकर्स दे आर चार्जिंग पर डिपॉजिट कोई चार्ज नहीं लेती है, आप SMS फैसिलिटी भी रजिस्टर करवा लीजिए। E-voting already मैंने बहुत आपके साथ डिस्कस किया। आपके पास कोई grievances है, कोई complaint है तो यहाँ मेल कर सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं complaints@cdsindia.com पे। आपके पास कोई doubt है depository से related तो cdsindia.com पे जाकर के नीचे ask दिया करके है, आप अपने डालिए, you will get the reply। हम लोग टाइम टू टाइम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, उसके अंदर यदि आपको अटेंड करना है, वेबिनार्स करते रहते हैं, आपको ज्वाइन करना है, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन और देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमारा पेज देख सकते हैं। बहुत बातों में भाषण चलता रहता है तो लोग कहते हैं बहुत ध्यान दे लिया, अब थोड़ा सा। तो लास्ट एंड फाइनल, अपडेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल विद योर मेंबर्स। आप अपना मोबाइल नंबर तो बदल लेते हैं, सिम तो बदल लेते हैं, क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइडर सस्ता दे रहा है, दूसरा कुछ और दे रहा है, हम तुरंत अपना नंबर बदल लेते हैं। अपना मोबाइल नंबर यदि आप बदलते हैं तुरंत जाकर के डिपार्ट में अपडेट करा लेते हैं। एड्रेस आपका चेंज होता है आप अपडेट करा दीजिए। नॉमिनी अपॉइंट किया था पर नॉमिनी के साथ कहीं कोई मिसअपडेट हो गई है, आप तुरंत बदल दें उसको, डिपार्ट अकाउंट में अपडेट करें। सेम थिंग विद द बैंक डिटेल, बैंक मर्ज हो रहे हैं, कोई बैंक हमने नया चेंज किया है, मेरा बैंक अकाउंट कहीं और था और अभी कोई और जगह खोल लिया, तो डीमैट में आप अपडेट करा दीजिए। यदि आपका डिविडेंड 7 ईयर तक आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया किसी कंपनी का तो आपका स्टॉक भी आपके अकाउंट से चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो आपका जो भी डिविडेंड आता है आपको अपने अकाउंट में जमा कराना है और बैंक का डिटेल अपडेट कराइए। कुछ भी चेंजेस है आप अपडेट करिए, नॉमिनी जरूर रजिस्टर करिए। डीमैट अकाउंट खुलाने के टाइम पर आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप मिलती है, किताब मिलती है, मिली आप लोगों को? कहाँ रख रखी है आपने? अलमारी में। लॉक इन की में नहीं रखते हम लोग, साइन करके ब्रोकर को पकड़ा देते हैं। हाँ,
नौकर को पकड़ा देते हैं और वो बड़ा मुश्किल काम चेक, इट इज इक्वल टू चेक को, चेक में तो आपको पता होगा कि जितना पैसा भरा है वो उतना ही वैल्यू है, 10,000 का चेक 10,000 का है, पर यदि मैंने खाली चेक को डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के लिए साइन करके दे दी और आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं भर करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, पॉसिबल है? तो ऐसा किसी को मत दीजिए, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप किसी को साइन करके दीजिए, और जब भी आपके पास स्टेटमेंट आता है आप उसे चेक करिए कि ये पोर्टफोलियो क्यों चेंज हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया था कि नहीं किया। पोर्टफोलियो में कई बार कॉर्पोरेट एक्शन के कारण कुछ मर्ज हो जाता है, डीमर्ज हो जाता है, राइट इशू आ जाता है, बोनस आ जाता है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, हमें पता नहीं होता है। आप उस स्टेटमेंट रेगुलर चेक करिए, पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी दें, पर पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को मत दीजिए, देनी तो अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, घर पे फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, पर ब्रोकर को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मत दीजिए, देनी है तो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द पेइंग पर्पस आप पीओई दे सकते हैं, पर वो कंपलसरी नहीं है। और कभी भी किसी के कहने पे स्टॉक परचेज मत करिए, दुनिया में बहुत लोग एडवाइस देने आएंगे, फ्री के एडवाइस कहीं कोई काम नहीं आते, बस मेरा पैसा मेरी नॉलेज से लेता। दूसरा, टीवी पे बोलने वालों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्ञान तो बहुत देते हैं, हम लोग बहुत जल्दी फंसाते हैं, क्योंकि मैं कल कहीं हम थे तो एक क्वेरी आई कि सर टीवी वालों का वो तो रोज बोलते हैं और हम लोग फंस जाते हैं, सर टीवी पे वो लोग क्यों आते हैं, दे आर एम्प्लॉयड, ये रिसर्चर है तो दे आर गेटिंग समथिंग रेम्यूनरेशन, वो किसी आपको कमाने के लिए नहीं आते, वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आते हैं, प्लस कंपनी का सपोर्ट कर जाते हैं, 24 आवर्स वो चैनल चलता है, उनको तो खबर चाहिए, वो तो कंपनी तो उसके बाद उसको चाहिए। मैं आपको उसको एक या दो एग्जांपल देना चाहूंगा। एक सज्जन जो टीवी पे बहुत आते थे और हमारे परिचित थे, तो इनके सुरेश शाटी परिवार के भी परिचित थे, हमने एक दिन पूछ लिया कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट, टीवी पे आते हो इतना बोलते हो इतना शोर मचाते हो, हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट ही सेड, नॉट ए सिंगल पेनी। आप टीवी पे आते हो, सबको बोलते हो ये खरीद लो वो खरीद लो, और आप एक पैसा भी नहीं लगाते हो कि नहीं ये गुप्ता जी मैं एक पैसा भी नहीं लगाता। तो ऐसे एनालिस्ट हैं हमारे पास, एडवाइस देते हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो क्या सही है क्या नहीं है, आप सिर्फ स्क्रिप्ट को नोट करिए, उसके बाद स्टडी करिए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। टीवी पे जो बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सब गलत बोलते हैं, आप उनको नोट करिए, स्टडी करिए और उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट है तो आप अपन इस मीटिंग के बाद में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।